में कौन कौन ये मानता है कि अगर बर्थडे वीकेंड पे आ रहा है तो बर्थडे वाला फील ही नहीं आता है। ऐसा ही कुछ हुआ है हम लोगों के साथ भी। आंचल का बर्थडे है आज 18 सितंबर को और हम लोग आए हुए हैं, टूटू और मैं सीक्रेटली आए हैं। उसने पूछा भी कि कहाँ जा रहे हो, हमने बताया नहीं उसको, हमने बोला अभी 2 मिनट में आ रहे हैं। सीक्रेटली आए हैं केक लेने के लिए, और केक लेने के लिए हम लोगों का आजकल वीक स्पॉट जो बन चुका है जगह, वो है बिल्कुल हमारे पीछे जो है DQ, DQ की आइसक्रीम्स, DQ का केक, और आज हम लेने आए हैं DQ का आइसक्रीम केक आंचल के लिए। What's up guys, welcome back to the channel, I hope you guys are doing absolutely fine. फाइनली केक लेके आ गए हैं बाहर और बज रहे हैं शाम के 5:30, ऑलमोस्ट 6:45 एक्चुअली। अनफॉर्चुनेटली आज ऑफिस का दिन था, ऑफिस का काम चल रहा था, तो उस वजह से बिल्कुल भी हम लोग कुछ सेलिब्रेट नहीं कर पाए, लेकिन हमने एक बहुत ज़बरदस्त पार्टी थ्रो की थी वीकेंड पे। इतना ज़्यादा इन्जॉय किया है उस पार्टी में, सभी लोगों को बुलाया था। ये शायद थी हमारी आखिरी पूल पार्टी समर की, बिकॉज समर होने आया ख़त्म। जैसे आप देख रहे हो आज का वेदर, जो रास्ता है वो काफ़ी गीला गीला सा है, तो मतलब बारिश हो रही थी। अब जाने से पहले ये हल्की हल्की समर बची हुई है, लेकिन बस अभी अभी टाइम आ जाएगा फॉल का, ठंडियाँ होना शुरू हो जाएगी, तो हम सारे अपना पूल बंद कर देंगे, कपड़े सारे ये पैक कर देंगे और नए कपड़े निकालेंगे जो हमारे विंटर वाले हैं। तो जो भी हो सके, जितना भी हो सके, हमने इन्जॉय करने की कोशिश की है इस पार्टी में। आपने मिस कर दी, कोई बात नहीं, आओ ले चलता हूँ पार्टी में। Hey, what's up guys? Good morning. Welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. I know, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं ऐसा लग रहा है। थोड़ी वीडियो स्लो हो गई है मुझे पता है, लेकिन हम लोग इतना ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। वैंकूवर ट्रिप खत्म करने के बाद हम आए, अगले दिन ही टूटू का स्कूल स्टार्ट हो गया था, उस चक्कर में स्कूल शुरू होने के बाद हम लोग इतना ज़्यादा बिजी चल रहे हैं कि पूछो मत। मतलब सुबह उठो, भाग दौड़ है, सुबह सुबह उसको स्कूल छोड़ के आओ, क्योंकि बस भी है नहीं, जैसे मैंने आप लोगों को शायद आई थिंक आप लोगों को बताया या नहीं बताया मुझे याद नहीं है, बट देन बस सर्विसेज अभी तक अवेलेबल नहीं है, वो अक्टूबर में मिलेगी। एंड देन इसीलिए सुबह उठ के भाग दौड़ जो होती है, जाके स्कूल छोड़ो, वापस आओ, उसके बाद में अपना ऑफिस का काम करो, देन हम कहीं घूमने जा रहे हैं क्योंकि खुशबू के कुछ लास्ट के दिन बचे हुए हैं अभी यहाँ पर, तो हम लोग जितना हो सकता है उतना घूमने जा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं और मस्ती मार रहे हैं। उस वजह से वीडियोस थोड़ी स्लो आ रही है, आई रियली अपोलोजाइज गाइज, बट प्लीज़ आप लोग नहीं समझोगे तो कौन समझेगा यार। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके उतनी जल्दी जल्दी वीडियोज़ डालता जाऊँ। एनीवेज, आज का टॉपिक वो नहीं है, आज का टॉपिक कुछ स्पेशल है, और स्पेशल क्या है आपने ऑलरेडी टाइटल पढ़ के समझ ही लिया होगा। आज है मेरी प्यारी बीवी का बर्थडे। कितने साल की हो रही है मेरे को पूछना मत, मैं नहीं बताऊंगा, उसको पूछ लेना, अगर वो बताने तैयार है तो वो बता देगी। तो आज है उसका बर्थडे, और उसके बर्थडे के प्रिपरेशन के लिए हमने आज की है अपनी पूल पार्टी, क्योंकि ये होगी हमारी आखिरी पूल पार्टी इस सीज़न की। समर सीज़न होने आया है ख़त्म, हाय, समर सीज़न होने आया है ख़त्म। तो समर सीज़न होने के ख़त्म आने के चक्कर में हमने सोचा कि एक लास्ट पार्टी कर लेते हैं पूल में, पूल मस्ती मार लेते हैं, एंड देन उसके बाद फॉल की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो मतलब ये है, ये जो पार्टी होने वाली है बहुत ज़्यादा धमाल होने वाली है। और आप लोग अगर सोच रहे बर्थडे गर्ल कहाँ है, आ रही है, आ रही है, 2 मिनट रुको, आ रही है। तो भाई टाइम हुआ है अभी 3:30, और हमने 3 बजे का सबको बुला हुआ था, लेकिन सब लोग चल रहे हैं थोड़ा सा लेट, तो आई थिंक अभी धीरे धीरे सब लोग आना शुरू करेंगे, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। जैसे जैसे सब लोग आएंगे वैसे वैसे सबको बैकयार्ड में बिठाने का प्लान है, वहाँ पे मस्ती मारेंगे, बैठेंगे, चिल करेंगे, फिर कपड़े चेंज करेंगे, एंड देन घुसेंगे पूल के अंदर। तो ये आ गए हमारे गेस्ट, सबसे पहले आए अक्षय एंड दामिनी, एंड देन उसके बाद कनिका एंड करण। आप लोग तो मिल ही चुके हो इन लोगों से, क्या मैंने सुना तेरे को बी ने काट लिया? हाँ, बी जिंदा है कि मर गई? बी ने सारा जहर ले लिया कि नहीं? बी ने मुझे जहर दिया। बी ने तुझे जहर दिया, मुझे लगा उसने ले लिया तुझसे जहर। बी ने वन टू थ्री गो। ऑलराइट, तो यहाँ पर अभी हमने रखा हुआ है चिकन सीख, ये जाएगा माइक्रोवेव के अंदर, ओवन के अंदर। और क्या है चल? ये चिकन तंदूरी चिकन, ये जाएगा और पनीर के लिए, और अभी ऑलरेडी जा चुका है ये पिज्जा और गार्लिक ब्रेड स्टिक, ये दोनों बन रहा है। टाइम लगेगा, अभी टाइम हुआ है 3:57, कितना टाइम लगेगा इसको बनने के लिए? 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट,
ठीक है, और आई थिंक अभी तक दो लोग आए हुए हैं, दो फैमिलीज आई हैं अभी और वेट कर रहे हैं हम लोग लोगों का, तो आई थिंक इट्स ओके, धीरे धीरे करके सब आएंगे, तो खाने का तब तक तैयार हो चुका रहेगा। तो यार बहुत फालतू गाने में बजा रहा था, तो मैंने कहा ये काम जो है ये एक ही बंदा है जो कर सकता है, जो इतनी सारी पार्टीज होस्ट करता है, वो है करण। तो उसको मैंने फोन दे दिया, मैंने बोला कि भाई अभी तू ही गाने बजा। आई नो, और क्या जबरदस्त कुक है करण, मतलब इसके हाथ का खाना खाना चाहिए, इतना यम। लास्ट टाइम हमने खाया था बटर चिकन, ओ माय गॉड, बहुत यम। आई थिंक सेकंड ना, दो बार खाया ना बटर चिकन, एक बार पार्टी में खाया और एक बार अपन वहां गए थे वहां खाया था। ओहो, खाना चाहिए यार इसके हाथ का बटर चिकन। हाँ, बट इट इज अमेजिंग, बहुत टेस्टी है, ऑलराउंडर बंदा है ये। और ये हो गया रेडी, पिज्जा बन गया है, मैडम लगी हुई है काम पे। चलो चलो आ जाओ, पिज्जा आ गया। बहुत टाइम लगा दिया। ओह माय गॉड, मैं जा बर्थडे कल से मिला। ओह माय गॉड, व्हाट्स अप विद यू मैन, खतरनाक आज तो यार। फाइनली द समान इज आर हियर। सर जी क्या हाल है? एकदम। अरे सेम सेम। और ऐसी कोई पार्टी हमारी हो नहीं सकती जहाँ केदार ना आए भाई। अच्छा सो गई है क्या? आजा भाई आजा आजा, बस ही नहीं मिला। क्या बोलते हैं, क्यों क्या हो गया? टूटू लेके आओ मम्मा को नीचे। क्या हुआ? वो तब से रोक रही थी तुमको कि नीचे मत आओ नीचे मत आओ, आ जाओ तुम्हारे लिए सरप्राइज है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। माय गॉड, टन टन। आई वाज एक्चुअली आउट समवेयर टू बाय दिस। तुमने पूछा, इसने पूछा ना तुमको कि कहाँ, तुमने पूछा इसको कहाँ जा रहे हैं, इसने बोला हम लोग कुछ काम से जा रहे हैं ना। एंड हम लोग लेके आए, ये रहा तुम्हारा केक। Happy birthday! Thank you so much, Tutu. Thank you, Tir. Thank you, Papa. And thank you, Masi. Thank you, Masi. Masi is not here, so I. Masi अभी यहाँ ready हो रही है, नीचे जा, नीचे ready आ रही है. Like your favorite flavor? Is it ice cream? Yes, it is ice cream cake. Oh my god! Ice cream cake from DQ, and it's your favorite flavor of ice cream. And Masi भी आ गई. Happy birthday! थोड़ा late शुरू हो रहा है हमारा birthday. थोड़ा लेट शुरू हो रहा है बट ठीक है चलेगा। आ जाओ केक कट करें पहले फटाफट से, ये रहा तुम्हारा केक। मैंने ना नाइफ, मेरे को उन्होंने बोला कि नाइफ जो है, उन्होंने मेरे को बताया कि नाइफ को गर्म पानी में डाल के रखो तब ये कट होगा, बिकॉज ये आइसक्रीम केक है तो ये बहुत, ये डीप फ्रीजर से निकाला हुआ है। सो जल्दी मैंने आने से ही रख दिया नाइफ गर्म पानी में, सो अभी इसको कट करेंगे। एंड तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर है वो चॉकलेट एक्सट्रीम, जो डीक्यू का जो तुम ब्लिजर्ड खाते हो, सेम वही वाला। All right, कैंडल जला दिए हैं, चलो शुरू हो जाओ। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आंचल, हैप्पी बर्थडे टू यू। आर यू 10, आर यू 20, आर यू 30? ओके, हैप्पी बर्थडे। नहीं कट रहा है, कट रहा है बिकॉज वो डीप फ्रीजर से निकाला हुआ है। फाइनली बहुत मेहनत करने के बाद एक पीस कटा है, देखो बहुत जद्दोजहद के बाद। आ जाओ ये लो, ये मेरा फेवरेट आइटम है, आ जाओ।
और जैसे हमने दरवाजा खोला बाहर जाने के लिए, प्लान बना बाहर जाने का केक वेक कट करने के बाद, आंटल तुम्हारा बर्थडे कितना स्पेशल है, देखो सामने रेनबो आया हुआ है, आई डोंट नो आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये देखो रेनबो, वाओ क्या मस्त आया है रेनबो, वाओ आंटल ये आई थिंक तुमको भगवान ने भी गिफ्ट दे दिया है, लकी फॉर यू, तुमको भगवान ने गिफ्ट दिया है अपना, अरे बहुत ब्यूटीफुल है, यहाँ पे जल्दी जल्दी फोटोज निकाल लेते हैं इसके बैकड्रॉप से, बहुत अच्छे अच्छे फोटोज आएंगे, चलो लेट्स गो आउट। सो आंचल वंस अगेन विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, और हमारे सारे सब्सक्राइबर्स भी तुमको विश कर रहे हैं, गाइस विश कर रहे हो तो जल्दी जल्दी कमेंट में जाओ और कमेंट में लिखो हैप्पी बर्थडे टू आंचल, है ना, चाहिए कि नहीं चाहिए तुमको सबसे हैप्पी बर्थडे विशेस, सबसे चाहिए ना, तो सबको पार्टी दोगे कि नहीं दोगे, वर्चुअल पार्टी दे देंगे, वर्चुअल पार्टी, वैसे मैंने पूल पार्टी दिखा दी इनको, ओके अगर नहीं देखी थी तो वो देख के आओ, नहीं मैंने दिखा दी ऑलरेडी पूल पार्टी, और पूल पार्टी आई एम श्योर सबने बहुत एंजॉय की, तुम्हारा कैसा फीडबैक है पूल पार्टी को लेके, इट वाज अमेजिंग सुपर फन, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी हिट जाएगी वो, बट इट वेंट सो वेल, मेरे हर एक फ्रेंड ने मुझे कॉल करके बोला इट वाज अमेजिंग एंड आई थिंक आई लव्ड इट, आई लव्ड स्पेंडिंग टाइम विद देम, बिकॉज बहुत टाइम बाद ऐसा एक गैदरिंग हुआ जहाँ पे जितने भी लोग हम जानते हैं एक्सेप्ट वन कपल, बट सारे कपल्स आए थे, सब लोग आए थे जो हाँ, एक मिस हो गए थे, धीरज ऐश्वर्या थे वो हमारे फ्रेंड्स हैं, वो मिस हो गए थे क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, बट बाकी सारे आए थे, सब आए, एंड आई एम सो हैप्पी, यू इफ यू आर वाचिंग इट थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट सो स्पेशल फॉर मी, आई लव यू ऑल एंड आई लव ऑल माय व्यूअर्स ऑल माय सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच, यस एंड आई थिंक अनफॉर्चुनेटली मैं ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज वी वर ट्राइंग टू बी अ गुड होस्ट एंड उस चक्कर में सबको देखने में इतना टाइम चला गया, तो मैं ज्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट जो मैंने रिकॉर्ड किया है आई होप आप लोगों ने वो देखा है और आप लोगों ने एंजॉय किया उस वीडियो को और उस बर्थडे पार्टी को, सो थैंक यू वेरी मच अगर आप लोगों ने देखा है और आप लोग ने हमारे पार्टी में ज्वाइन किया है तो, yes. तो अभी जो प्लान है हमारा जाने का कहीं पर एक रेस्टोरेंट में जहाँ पे हम लोग कुछ खाने खाएंगे डिनर वगैरह करने, अर्ली डिनर कर रहे हैं आज बिकॉज हमने सोचा यार पूरा दिन हम लोग ऑफिस के चक्कर में बिजी थे तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, कुछ फैंसी लंच नहीं किया, तो अर्ली डिनर करेंगे, अच्छे जगह पे जाएंगे, एक जगह है यहाँ पे, वहाँ पे मैंने कॉल करने का ट्राई किया, मुझे पता नहीं है कि वो लोग वॉकिंस लेते हैं या वहाँ पर मतलब यू नो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, सो वहाँ जाके देखेंगे, अगर वहाँ बात बनी तो ठीक, अगर नहीं बनती है जो हम चाहते तो नहीं है, बट अगर नहीं बनती है तो हम जाएंगे हमारे फेवरेट स्पॉट पे कॉल्ड डी स्पॉट, डी स्पॉट जो है वो हमारा फेवरेट स्पॉट है, हम मोस्टली हर बर्थडे में जाते ही है वहाँ पे, हम लोगों को वहाँ का डिजर्ट बहुत अच्छा लगता है और उसका जो एम्बियंस है वो हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो हम लोग मोस्टली वहाँ जाएंगे। आई थिंक आप लोग को याद होगा कि मैं गोलू को भी ले गया था डी स्पॉट, अगर आप लोग को याद नहीं है तो मैं उस वीडियो को यहाँ लिंक कर दूंगा, वही जगह है, वहाँ मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश नहीं करूँगा, इट्स गोना बी जस्ट अ पीसफुल फैमिली डिनर, बट मैं आपको थोड़े बहुत ग्लिम्स जरूर दिखाऊंगा हम लोग क्या ऑर्डर कर रहे हैं। अगर हम लोग जा रहे हैं दूसरे जगह पे जो है मैं बता रहा था जहाँ पे डिनर के लिए, जहाँ मुझे पता नहीं अपॉइंटमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी या वॉक इन मिलेगा या नहीं मिलेगा, वहाँ अगर जाएंगे तो वो नई जगह है, वहाँ मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो प्लान हो गया थोड़ा सा चेंज, जैसे आप मौसम देख रहे हो, हम रास्ते में जब आ रहे थे हम मौसम देख रहे थे, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और वो है आउटडोर प्लेस, तो आउटडोर प्लेस में हम बैठ के एंजॉय नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने प्लान चेंज कर दिया और हम आ गए फिर से अपने फेमस जगह पे, हमारे पसंदीदा जगह पे जो है डी स्पॉट डेजर्ट कैफे। एक्चुअली कमाल की बात देखिए, डी स्पॉट का जो बोर्ड का कलर और तुम्हारे ड्रेस का कलर एग्जैक्टली सेम चॉकलेट वाला है, तो आज तुम कौन सा वाला चॉकलेट हो, कैडबरी वाला चॉकलेट हो या यहाँ का कोई फरेरो रोशर चॉकलेट हो? आई थिंक आई लाइक टू बी, मेरा फेवरेट कोई भी स्विस चॉकलेट, आई थिंक आई लाइक स्विस चॉकलेट, स्विस चॉकलेट, स्विस चॉकलेट इट इज देन। चलो आज फिर अंदर जाके कोई स्विस वाली डेजर्ट खाते हैं, शुरू कर रहे हैं सबसे पहले नैचोस से। हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, happy birthday Asha, thank you so much, oh my god I wasn't expecting this really. Okay, blow the candle, make a wish, yay, happy birthday, look here, oh my god, wow, mast lag raha hai na ekdam, ye dekho, I think too much of overload calories on my birthday, but it's okay, yeah it's okay, yeah. It's okay, totally fine, let's dig in, thank you, khao, mast hai, now your turn,
How's it? It's good? It's good, no? It's super hot. Super hot and super yum. Super yum. Chalo, I'll also eat now. एंड ये अभी तक हम लोग का मीठा खाने का मन भरा नहीं था या भर गया था, बट ये खाना जरूरी था, क्रेप खाना बड़ा जरूरी था क्योंकि खुशबू को खाना था। एनीवन चॉकलेट शॉट या डालो चॉकलेट शॉट। वाओ दिस इज सो गुड, ये देखो वाओ, मतलब कितनी कैलोरीज खा ली आज फिर से। जितना लूज किया सब गेन कर लिया। All right, happy birthday हुआ खत्म, birthday dinner हुआ खत्म, संजय खत्म, happy birthday। कैसा रहा? और ठंड चालू हो गई है, ठंड बहुत बहुत ठंड हो गई है। अच्छा हुआ हम लोग उस रेस्टोरेंट में नहीं गए जहाँ हम जाने वाले थे, बिकॉज वहाँ पर एक्चुअली बारिश भी हो गई थी तो शायद बनता भी नहीं था हमारा जाना। और पता तो है आपको अभी कैंडम समर दी एंड हो गया, सितंबर 23rd टेक्निकली एंड ऑफ समर है, और चलो आई थिंक गाइस इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना, कमेंट करिए वीडियो पे एंड चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हम मिलेंगे आपको कल के वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड स्टे सेफ।